बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और ये देखिए, मैं सुबह सुबह बारिश हुई है और बहुत ही ज़्यादा, और देखिए ये आज बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई है। ये मुन्ना भाई और ये बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ये जनाब साहब बिशारत साहब भी आपको दिखाते हैं। वो देखे सामने आ रहे हैं ऐनक लगा के। आजकल ज़रा बहुत ही ज़्यादा वबा फैल चुकी है फैसला। जी बस हम निकल पड़े हैं जी टोपा, और वहाँ भी हम लोगों ने जाना है जी डॉक्टर के पास। अक्सर में ये सवारी मेरे साथ जाती है और हम लोग जा रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से जाएँ। और देखे जी हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए रवाना हुआ। और ये जी बिल्कुल स्पीड स्पीड जा रहे हैं जी, आराम सुकून के साथ। और ये बाईपास का इलाका है ये वाला, और सुकून के साथ निकल पड़े हैं। तकरीबन 11:30 का टाइम है, सामने से ट्रैफिक भी आ रही। एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में स्टीयरिंग है, और वीडियो बना रहे हैं जी। मैंने कहा चलो जी ब्लॉग शुरू करते हैं, अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं कि ऐसे भी मेहनत करना पड़ती है, बाकी सिला तो अल्लाह पाक ने देना है जी। वो रास्ते में हम लोग अंकल का दोस्त है वहाँ पे रुके हैं जी, और ये वर्कशॉप है जहाँ पे हमने स्टे किया। पैंथरे 83 गुली का ये इलाका है, यहाँ पे स्टे किया हम लोग। वर्कशॉप से हम निकल पड़े हैं जी, और हम लोग बस पास ये नहर के पास आ चुके हैं और वहाँ पे जा रहे हैं जी। टोपा वाली साइट है, और देखिए हम लोग ये रास्ता हम लोग अक्सर ये यूज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, और जो सामने आपको मोटरवे नज़र आ रही है, और ये देखिए जी यहाँ पे डॉक्टर का क्लिनिक है, जंगल है बिल्कुल। और देखिए जिसको अल्लाह ताला शफा देता है और वही यहाँ पर आता है जी। मैंने उनको उतार दिया है और वो आराम सुकून के साथ डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं, और मैं इधर अपना ब्लॉग अपनी ड्यूटी सर अंजाम मैंने कर चुका हूँ, और यहाँ शुरू करते हैं। और यहाँ पे मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, शायद व्यूवर्स को पता भी होगा कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह से मैंने शुरुआत शुरू की थी। ये देखें जी, ये जा रही है जी मोटरवे, और ये सारी जो मोटरवे है, और ये सात कब्रिस्तान है। और ये देखें जी बहुत ही प्यारा व्यू है, धूप फुल लगी हुई है। फैसलाबाद में बारिश थी, ये टोबे का इलाका है जौनसा, यहाँ पे डॉक्टर के पास आए थे। बिल्कुल सुनसान सड़क है, कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। देखो जी मल्ले वाले हो, आपको मैं क्या दिखाऊँ, यहाँ भाई वीरानगी में भी डॉक्टर बैठा हुआ है। और देखें जी बिल्कुल दोपहर का टाइम है, कोई बंदा नहीं, सिर्फ वही आ रहे हैं लोग जिन्होंने इधर डॉक्टर के पास आना है। और ये देखिए जी खुल्लम खुला इलाका है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, धूप तो बहुत ज़्यादा है, मगर ये है कि इस टाइम जो सा धूप नहीं लग रही। ये देखें जी रेतला इलाका है, और ये चीज़ इसको पता नहीं अब क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं इसका पता, क्योंकि जारी सी बात है हम सिटी में रहते हैं। ये देखें जी बिल्कुल रेतले इलाके में ये मुझे ग्रीन ग्रीन से नज़र आए हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। ये पूरे ग्राउंड में ये चीज़ें हैं, और ये देखें जी जी व्यूअर्स मैं बड़ी ही मुश्किल से बचा हूँ, और यकीन करिए देखिए मेरा फोटो जौन सा ब्लैक है वो बिल्कुल रेड हो चुका है, और किसी चीज़ ने जौन सा वो काटा है। और मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, कुछ चीज़ चढ़ गई और बड़ी मुश्किल से मैंने उनको साफ़ किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। आपको पता रेतला इलाका है, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल आते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है, और मैं तो बहुत डर गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ लड़ गई है, और बस वो थोड़ा सा लेग पे निशान आता है अभी, बड़ी मुश्किल से झाड़ी, पता नहीं क्या चीज़ थी, कितनी सी वो और चढ़ गई थी, शुक्र अल्लाह पाक का बचत हो गई है। और ये वही इलाका है ये देखें जिस दिन मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी, आपने मेरी देखी होगी, ये वही इलाका है टोबे वाला। मैंने कहा चलो जी आज इधर से वीडियो शुरू करते हैं, और देखें बहुत ही प्यारा व्यू, पीछे मोटरवे है, और ये मेरे पीछे खामोश दुनिया आबाद है,
जहाँ पे बिल्कुल खामोशी है। ये चीज़ थी जी जो मेरे शलवार पे चढ़ गई थी और इसने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, क्योंकि ये सीधी टांगों को पड़ती है और इसकी चुभन बहुत ही ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको साफ़ किया है, अल्लाह अल्लाह करके इनकी जान छुड़ाई है। मैंने बस बैठा हूँ तो मुझ पर हमला कर दिया उन्होंने। मैंने कहा तेरी खैर, ये क्या मखलूक है, इसका तो मुझे पता भी नहीं इसको क्या बोलते हैं। व्यूवर्स को पता होगा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि ये क्या चीज़ है। जी व्यूवर्स, हम आ चुके हैं स्नोकर क्लब और ये पास ही बिल्कुल क्लब है डॉक्टर साहब के बिल्कुल पास, और जहाँ पे गेम चल रही है। मैं चलो आपको ये भी दिखाते हैं। लें जी मल्ले वाले, हम जा रहे हैं जी अब अपने घर और ये हमारी गाड़ी तैयार हो चुकी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहुंच चुके हैं जी अपने घर के पास बिल्कुल। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फी मानिल्लाह।